इस बार सरोजनी से मैंने इतने क्यूट और इतने अच्छे आइटम्स और इतने कम रेट में लिए है ना, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने ये कितने का। मैं चली गई, फिर दूर से आवाज आया 200, मैंने कहा 150, कहते नहीं। फिर मैं जैसे ही घूमी कहते आ जाओ आ जाओ, फिर उन्होंने आवाज दी, फिर कहते आ जाओ आ जाओ। फिर हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज खुशी एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू माय सरोजनी नगर मिनी हॉल। इट्स नॉट एक्चुअली मिनी, इट्स अ ह्यूज हॉल। सो इफ यू हैव सीन माय रीसेंट वीडियो दैट आई अपलोडेड जस्ट यस्टरडे, यू माइट हैव सीन दैट आई वेंट टू सरोजनी विद माय रूमी and we did a lot of shopping. So in today's video I'm just going to take you through everything I got, and trust me when I say this, jo jo cheeze maine li hai na sab bahut hi acche aur kam budget mein li hai maine. So yeah, without any further ado, let's get started with the video. So guys, let me show you mere paas kitna bada dabba hai, dikhaungi, but can you see this? Okay, wait, can you see this? This is the dabba. इसके अंदर बेसिकली मैंने और दीदी ने अपना सारा सामान सरोजनी से आके ऐसे रख दिया था। सो या, एक एक करके मेरे हाथ में जो सबसे पहले आएगा वो मैं निकालते जाऊंगी और आपको दिखाते जाऊंगी विद प्राइसेस, एंड हो सके तो मैं शॉप नंबर भी मेंशन कर दूंगी। सो या, लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट और आर्टिकल नंबर 1। लेट्स सी अंदर से सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ। खाली प्लास्टिक निकल रहा है, ठीक है, ओके ठीक है, मैं समझ गई ये क्या है। सो दिस इज द ओनली बैग दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी। लेट्स अनबॉक्स दिस, लेट्स ओपन दिस। एक्चुअली ये मैंने एक्चुअल में अपने मामा के लिए लिया है, बट दिस इज अ पूरा पूरा गर्ली बैग। मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया था ना ये बैग, बस लाइक मैं रख लेती हूँ ये बैग, मम्मी को दूसरा दे दूंगी अपने कलेक्शन में से, ये बैग मैं ही रख रही हूँ। इसको खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा कितना स्वीट बैग है। सो लेट्स ओपन दिस। मैंने इसको ना जब से मैं आई हूँ सर्विस में खोला एक बार भी नहीं है। दिस इज द क्यूट बैग। आप खुद सोच रहे होगे कितना ऑब्सेस्ड है पिंक के। मेरे पास लिटरली 3 पिंक 4 पिंक बैग्स ऑलरेडी है, एंड दिस इज द 5th one, बट ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, मम्मी के लिए लिया है। मॉम इज गोइंग टू लव दिस बैग, बट लुक एट दिस बैग। इसके चेन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर एक ना ऐसे स्ट्रैप भी दिया हुआ है, जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू वेयर इट लाइक क्रॉस बॉडी, आप उसको वेयर कर सकते हो। एंड ये ना कुशनी काइंड ऑफ मटीरियल का बैग है, विच लुक्स रियली रियली नाइस। मेरे पास ऐसा एक ऑरेंज कलर में बैग है, तो वो भी सेम मटीरियल का है, मुझे बहुत पसंद है वो बैग। सो दिस इज अ बैग इन पिंक, आई एब्सोल्युटली लव दिस बैग। क्या पता ये मैं रख लूँ, कमेंट डाउन बिलो, क्या ये बैग मुझे रखनी चाहिए या मैं मम्मा को दे दूँ? कमेंट करके बताना। आई थिंक मुझे रख लेनी चाहिए, नहीं यार मम्मा को दे ही देती हूँ, बट ठीक है चलो ठीक है, विल डिसाइड दिस लेटर। बट दिस इज परचेज नंबर 1, एंड आई गॉट दिस फॉर 790 रुपीज, मतलब 800 रुपीज का। तो उन्होंने मुझे ये 1300 कुछ कोट किया था। आई वॉज लाइक भैया 600, ही वॉज लाइक नो, मैंने कहा भैया 650, ही वॉज लाइक नो 850, मैंने कहा भैया 700, ही वॉज लाइक नो 800, मैंने कहा भैया 750, कहता नहीं मैम 750 नहीं हो सकता, 800 से कम हो ही नहीं सकता। मैं चली गई, मैं वापस चली गई, मैंने 3-4 शॉप्स और देखे, और तब तक ना मम्मी को मैंने ये कोई बैग की पिक भेज चुकी थी। तो मैं मॉम वाज लाइक आई रियली लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। तो मैंने कहा कि दूसरे शॉप में देख लूँ तो क्या पता इससे सस्ता मिल जाए, मतलब मैं सरोजनी आई हूँ और फिर मैं इतना महंगा बैग भी ले लूँ सरोजनी से। आई मीन रजौरी वगैरह, अगर आप दिल्ली से हो ना, रजौरी वगैरह इज अ रियली नाइस मार्केट, वहाँ पर मिल जाती है और मेरे घर से पास है रजौरी, इट्स लाइक 10 मिनट्स का रास्ता, तो लाइक वहाँ से ले लूँ। बट देन मैंने पूरा सरोजनी देखा, मुझे ऐसा बैग मिला ही नहीं, और फिर मैं वापस गई शॉप में लेने के लिए और फिर वापस मैंने ये लिया। तो भैया वाज लाइक चलो मैं ठीक है 20 रुपीज डिस्काउंट दूँ, मैंने कहा चलो ठीक है भैया आप दे दो बस ये बैग। तो तब मैंने ये बैग ले लिया, एंड दिस इज द क्यूटी लिटिल बैग, आई एब्सोल्युटली लव इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज। ओके, द नेक्स्ट परचेज दैट आई गॉट, एक्चुअली दिस इज द परचेज दैट दीदी मेरी रूममेट शी गॉट हर सेल्फ, एंड ये चॉइस मेरी थी, शी गॉट हर सेल्फ दिस क्यूट लिटिल क्रॉप टॉप काइंड ऑफ शर्ट फ्रॉम ज़ारा। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम ज़ारा, एंड आई थिंक ये उन्होंने मात्र 100 रुपीज में लिया है। सो यार दिस टॉप इज रियली रियली नाइस, इसको बस वॉश करके पहन लेंगे वो, मैं इसको पहन के वेयर करके दिखाऊंगी, दिस लुक्स रियली रियली नाइस। और ये ऐसा टॉप है ना कि आप इसको कॉलेज में भी पहन सकते हो, ऑफिस में भी पहन सकते हो। दीदी ऑफिस जाती है, ऑफकोर्स शी इज अ डॉक्टर, तो वो ऑफिस जाती है, मैंने कहा ये आप ले लो, आपको ऑफिस जाने में और ऑफिस में पहनने में बहुत काम आएगा। सो
she got this is her purchase. उसके बाद I know मेरी videos ज़्यादा लड़के नहीं देखते, but अगर आप लड़के हो, सरोजनी में काफी कुछ अच्छी items भी होती है. दीदी ने अपने भाई और अपने dad के लिए ये दो t-shirts लिए and these t-shirts were around 350-400 rupees and काफी अच्छा material भी बहुत अच्छा. मैं खोलूंगी नहीं ये t-shirts, but ये काफी अच्छा है. तो अगर आप यू नो लड़के और अगर आप सोच रहे हो कोई ऑप्शंस लड़कों के लिए, वैरायटी है सरोजनी में? जी हाँ है. मैं जब गई थी ना दीदी के साथ लास्ट टाइम, इनफैक्ट मैं जब भी जाती हूँ, मुझे आजकल लड़कियाँ कम लड़के ज़्यादा दिखते हैं सरोजनी नगर मार्केट में, विच इज़ लाइक अ कम्प्लीट ऑपोजिट थिंग जो पहले था. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज अ रियली रियली नाइस ड्रेस. अगेन ये ड्रेस दीदी ने ली है. मैं पहले उनके ड्रेसेस और उनके कपड़े दिखा रही हूँ. सो दिस is the dress that she got. Again, मेरी चॉइस थी ये. She was like, खुशी तू बता कौन सा अच्छा लग रहा है. एंड उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी चीज़ अच्छी लग रही थी और हमने म्यूचुअली डिसाइड करके लिया. दिस इज द ऑरेंज ड्रेस दैट शी गॉट. ये ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्रेस है. अगेन इसमें ज़ारा का टैग है, बट आई नो ये पता नहीं रियल हो ना हो. वो ब्लैक वाला टॉप का तो मुझे पक्का पता है वो रियल ज़ारा था, बट ये आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट. बट इसका मटीरियल काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये कॉटन है. तो यू नो वंस यू वेयर इट, ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, बट अगेन इसके बाद ठीक हो जाएगा. नाउ सरोजनी में ना आपको बहुत 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 सारे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी ना, आपने देखा होगी सरोजनी में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत वैरायटी है इन ज़ारा के टॉप्स का, लाइक ऑरेंज, नियॉन, पिंक एंड बहुत प्रिटी लगता है. सो यार दिस इज हर परचेज. नेक्स्ट परचेज भी दीदी का है. आई प्रॉमिस इसके बाद मैं दीदी का कोई परचेज नहीं दिखाऊंगी. बट या आई मीन उन्होंने ना बहुत सारी ड्रेसेस लिया और मैंने कोई भी ड्रेस नहीं लिया. मैंने बस एक चीज़ लिया जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बट ये उनका परचेज और ये भी बहुत 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 अच्छा लगा था मुझे. लेट मी शो यू. तो जब हम इस शॉप पे घुसे ना, ये ना खोपचे में कोई शॉप थी एंड बहुत अच्छा कलेक्शन था वहां पर. ना सिर्फ आपको ड्रेसेस ही मिलते हैं. तो वेट, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. दिस इज द वन ड्रेस शी गॉट. लुक एट दिस प्रीटी ड्रेस. आई मीन मैं इस ड्रेस को ऊपर कर रही हूँ, मेरे चेहरे का निखार कम हो जा रहा है, बट ये भी लॉन्ग ड्रेस है और ये काफी अच्छा, ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे रूस्ड बोलते हैं ना, रूस्ड मटीरियल, रूस्ड काम किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा वर्क है इसका. इसका बैग आप देख सकते हो, काफ़ी स्ट्रेचेबल. अगेन ये वाला मेरा साइज भी है, मुझे भी आ सकता है, मैं पहन के दिखाऊंगी आपको. ये काफ़ी स्ट्रेची मटेरियल का है तो काफ़ी अच्छा. और ये ऐसे टाई कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी टाई कर सकते हो, ऐसे हॉल्टर नेक करके भी टाई कर सकते हो. मुझे बहुत पसंद आया था. आई विश मैं भी ले लेती ऐसा ड्रेस, बट अगेन मैंने नहीं लिया बिकॉज मैं फिर से सरोजनी जाऊंगी, मैं तब ले लूंगी. बट अभी मैं समर कलेक्शन अवॉइड कर रही हूँ लेना, बिकॉज मेरे पास बहुत कलेक्शन हो चुका है समर का. बट अगेन दिस इज हर चॉइस एंड आई थिंक आई रियली लाइक इट, बिकॉज इसका ये जो प्रिंट है ना, ब्लू एंड वाइट, ये पूरा समरी प्रिंट है. तो अगर आप सरोजनी जा रहे हो ना, आप इस शॉप नंबर में जरूर जाना. इसके कलेक्शन A1 है, लाइक टॉप नॉच है, बहुत अच्छे है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज. अच्छा अब ना हम कुछ ज्वेलरीज की बात कर लेते हैं. सबसे पहली ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है, दैट इज दिस. ये ज्वेलरी ना बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल, लाइक इंस्टा पर और मीशो से लोग बहुत मंगा रहे हैं. बट एनी वे मीशो में थोड़ा सा प्राइसी था, इनफैक्ट आप मिंत्रा में चले जाओ, आजियो में चले जाओ, बहुत ज्यादा प्राइसी है. बट दिस इज दी ज्वेलरी दैट आई गॉट. आई एब्सोल्युटली लव इट. लाइक ये स्टॉप के साथ भी कितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. मैंने इसको ऐसे वेयर भी किया ना, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. ये एकमात्र ऐसी ज्वेलरी है ना जिसको आप इंडियन के साथ भी वेयर कर सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी वेयर कर सकते हो. सो आई रियली लाइक दिस ज्वेलरी. ना ये ऐसे खुलता है सांप की तरह. ये लिटरली ऐसे खुलता है एंड दिस इज दी ज्वेलरी. ये बहुत स्ट्रेची है एंड इसको पहनने के लिए भी ना यू जस्ट हैव टू रोल इट. लाइक इंडियन वेयर पहन रहे हो ना, आप नीचे झुमकास पहन लो, ऐसी ज्वेलरी पहन लो, यू गुड टू गो, एक बिंदी लगा लो, परफेक्ट इंडियन आउटफिट. ओके सो दिस इज नंबर वन ज्वेलरी दैट आई गॉट. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ज्वेलरी. ओके अगर आप दैट क्वर्की मिस को जानते हो ना, अदिति शर्मा नाम है उसका, अदिति जो भी है, अदिति को अगर आप जानते हो ना, दैट इज दैट क्वर्की मिस, शी ऑल्सो गॉट द सेम ज्वेलरी फ्रॉम सरोजनी. नाउ उसने ये ज्वेलरी लिया था गोल्डन कलर में, शी गॉट इट फॉर 150 rupees. नाउ अगर आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आती है ना, आप बार्गेन करवा के कम करा सकते हो. एंड अगर उनकी बस की होती है ना, जो शॉपकीपर्स होते हैं, फोर्स मत करो उनको, बट उनको प्यार से बोलो कि भैया कुछ तो कम कर दो, ये वो. अगर वो अपने आप कम कर दे, यू आर गुड टू गो. दैट मीन्स ये और चीप में होती है तो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा. कुछ लोग सोचते हैं कि बार्गेन करना मतलब हम उनका लॉस करवा रहे, उनका घाटा करवा रहे.
पर दैट इज नॉट द केस. आपको बोलने में कोई हर्ज नहीं, आप बोलो उनको. अगर वो यू नो कम कर दे, दैट मीन्स वो भी प्रॉफिट में, आप भी प्रॉफिट में हो. तो मैंने उनको यू नो जब आई वॉज बाइंग दिस, आई जस्ट टोल्ड हिम रैंडमली कि भैया थोड़ा सा कम कर दो, प्लीज प्लीज कम कर दो, ऐसे करके आई जस्ट टोल्ड हिम. एंड उन्होंने चलो ठीक है 120. मैंने कहा भैया 100 में ही ले लो ना, 100 पे कर दियो. चलो ठीक है कर दो. तो उन्होंने मुझे 100 पे दे दिया, राइट. सो इट डजंट, इट डजंट मीन कि उनका कोई घाटा हो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो भी इंसान है. अगर उनका घाटा होता वो मुझे नहीं देते, राइट. तो अगर आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आती है ना, तो प्लीज करके शॉपकीपर से ले सकते हो. आप जबरदस्ती मत करो नहीं करना होगा ये वो, नहीं ऐसे नहीं होता. बट हाँ, आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हो. अगर उनके बस में होगा तो वो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव आर दीज क्यूट 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 लिटिल बोज. दीज आर नॉट लिटिल एक्चुअली, दीज आर ह्यूज बोज एक्चुअली. आप देख सकते हो मेरे चेहरे के साइज का, बट लुक सो क्यूट, सो फ्रिकिंग क्यूट. आपको ना इसको बस ऐसे पीछे करके लगा लो, मैं आपको दिखाती हूँ. वेट, तो जैसे आपने ये लगा लिया एंड लुक, आई मीन मैंने साइड में लगाया, बट पीछे लगा लो बहुत. और फिर मैंने एक व्हाइट ले लिया. ये व्हाइट एक ऐसा कलर है सारे लाइक आउटफिट्स के साथ चल जाता है, तो मैंने इसलिए ये व्हाइट ले लिया. दीज बोज कॉस्टेड मी 80 rupees ईच. सो 160 के दोनों बोज थे. एनी वे 120 बोल रहा था, नहीं एनी वे वो शॉपकीपर मुझे 100 ईच बोल रहा था. बट मैंने रिक्वेस्ट किया अगेन, सेम टैक्टिक लगाओ, रिक्वेस्ट करो एंड वो आपको दे देंगे अपने हिसाब से. तो या 80 rupees ईच एंड आई थिंक दीज आर टोटली वर्थ इट. आई रियली लाइक दीज बोज. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. मेरे पास ना बहुत सारी ज्वेलरी है, मैं एक एक करके जल्दी जल्दी आपको सारी ज्वेलरीज दिखा देती हूँ. सबसे पहले आई हैव दीस क्यूट लिटिल चेरी इयररिंग्स. आप देख सकते हो दीज आर सो क्यूट. आप देख सकते हो ये वाले थोड़े से बड़े और ये वाले थोड़े से छोटे हैं एंड आई लाइक बोथ. तो मैं एक तो पहन के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे एक्चुअल में लगते हैं. मुझे तो ऑनेस्टली बहुत प्रिटी लग रहे थे. इनफैक्ट मेरे इस आउटफिट के साथ भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. सो कैन यू सी दीज, दीज लुक सो क्यूट. आई मीन दिस लुक्स, कैन यू सी दिस, दिस लुक सो क्यूट. आप देख सकते हो बहुत क्यूट लग रहा है, लिटरली बहुत क्यूट लग रहा है. तो यार दिस इज नंबर वन द फर्स्ट ज्वेलरी दैट आई गॉट एंड ये बहुत क्यूट था. जैसे मैंने देखा ना, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, अगर आप गए होगे ना आपने देखा होगा कि 100 rupees की 5 jewelries मिल रहे थे. तो वहां से मैंने ये पिक किया था. दिस वॉज, दिस इज जस्ट फॉर 20 rupees. मैं रिसेंटली तिलकनगर मार्केट गई थी, वहां पर 50 rupees का ये मिल रहा था. बट आई गॉट दीज जस्ट 20 rupees फ्रॉम सरोजनी. तो सरोजनी में ज्वेलरीज का तो भाई बहुत, हम सोच के गए थे कि हमें सरोजनी से ज्वेलरी ही लेनी है ज्यादा से ज्यादा. तो यार ये मैंने आपको चेरी तो दिखा दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्ट्रॉबेरी ज्वेलरी दैट आई गॉट. दीज आर स्ट्रॉबेरी इयररिंग्स. अगेन दीज आर ऑल्सो फ्रिकिंग क्यूट. आई एब्सोल्युटली लव दीज स्ट्रॉबेरीज वन. ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है. लाइक कितना क्यूट लग रहा है गाइज. ये आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, इंडियन वेस्टर्न, इंडियन के साथ तो नहीं, वेस्टर्न के साथ मोस्टली अच्छा लगेगा. इस आउटफिट के साथ भी अच्छा लग जाएगा. लाइक यू कैन सी काफी क्यूट है यार ये. स्ट्रॉबेरी वाली है, चेरी वाली है ना, वैसी ज्वेलरीज है जो आप पिंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फाइंड करते हो. इनफैक्ट पिंटरेस्ट इंस्टाग्राम में आजकल ऐसी ही ज्वेलरी चल रही है. आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है. तो या ये मेरा सेकंड परचेज था. मैं गिव अवे करूँ इस वाली वीडियो पे, ठीक है गाइस. आप कमेंट करना जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा ना, और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जिसका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगेगा ना, उसको मैं इनमें से कोई भी एक ज्वेलरी गिफ्ट करूंगी. क्या कहते हो? आई नो छोटा सा है गिव अवे, बट वाई नॉट, क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती मैं. यू नो आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, मैं गिव अवे बढ़ाऊंगी. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ज्वेलरी. नेक्स्ट ज्वेलरी बना चेरी गुलाब जामुन टाइप का है. आप देख सकते हो, इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ. ये काफी अच्छा पर्ल वर्क है. पर्ल के फ्लावर्स बने हुए इस ज्वेल, पर्ल के फ्लावर्स बने हुए हैं एंड देन नीचे में एक चेरी या गुलाब जामुन जो बोलना चाहो बोल सकते हो है. और ये भी काफी क्यूट लग रहा है. ये भी अगेन इंडियन आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, वेस्टर्न के साथ तो अच्छा लगेगा ही ऑफकोर्स. पहली ज्वेलरी ना दीदी की है. दीज आर दी इयररिंग्स. ये अच्छी इयररिंग्स है. अगर आप इसको सामने से देखोगे ना, आपको दिखेगा कि ये ना एक आउल है. यू सी दिस, ये एक आउल है एंड ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप पहनोगे गाइस इस वाली आउटफिट के साथ ये सारी इयररिंग्स जा रही है. कैन यू सी दिस, ये भी इयररिंग्स भी अच्छी लग रही है इस आउटफिट के साथ. एनीवे, सो दीज आर दी नेक्स्ट इयररिंग्स. देन आई हैव दीज बटरफ्लाई इयररिंग्स. ये भी बहुत अच्छी है, काफी ट्रेंडी है. पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम में तो ये सारी इयररिंग्स ना बहुत ज्यादा चल रही है. आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है. इजंट इट, बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत प्रिटी. ये भी किसी आउटफिट के साथ भी चल जाएगा. ये एक्चुअली दीदी का परचेज था, मेरा परचेज नहीं था. नेक्स्ट इयररिंग्स, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे. दीदी का है ये परचेज, बट मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा. नाउ इस ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स, ओह माय गॉड, इमेजिन कितना ब्यूटीफुल लगेगा. बट अगेन दीज इयररिंग्स वर अगेन फॉर 20 rupees. नाउ इयररिंग्स का सिलसिला होता है खत्म. लेट्स टॉक अबाउट अनदर एसेसरी दैट आई गॉट. सो दिस इज द बेल्ट दैट आई गॉट. अगेन मैं आपको बताऊंगी मैंने ये बेल्ट किस पर्पज से लिया,
बट दिस इज द बेल्ट दैट आई गॉट. आई गॉट दिस फॉर 200 rupees. भाई सरोजनी में बेल्ट के शॉप्स की बहुत कमी है, कोई कम ही नहीं कर रहा था. मुझे ये 200 भी बहुत ज्यादा लग रहा था भाई. किसी की शॉप में ये सेम बेल्ट आपको 300-350 के मिल रहे थे, वो कम ही नहीं कर रहे थे. बट मुश्किल से मैंने ये ढूंढा और ये 300 में भैया एग्री कर गए देने का. बट ये बेल्ट भी बहुत अच्छा है. मैं इस बेल्ट के बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ. ओ गाइज, आई फॉरगॉट, और एक क्यूट इयररिंग दिखाना आपको. वेट अ मिनट, कैन यू सी दीस? दीस लुक सो क्यूट. दीस आर लाइक, कैन यू सी दीज? दीज लुक सो क्यूट. दीज आर वाटरमेलन इयररिंग्स. ये मेरे इयररिंग्स एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये मेरे फेवरेट इयर. लाइक इस आउटफिट के साथ सब कुछ अच्छा लग रहा है. लाइक कैन यू सी दिस? दिस लुक सो नाइस. ये फ्रिकिंग क्यूट है गाइज. ये लिटरली इतना ज्यादा क्यूट लगा ना जब मैंने इसको शॉप पे भी देखना. बस लाइक आई हैव टू गेट दिस. नाउ दीज आर नॉट फॉर 20 rupees, दीज आर फॉर 50 rupees. अगर आपको ना, आप सरोजनी जा रहे हो ना, तो आपको बाहर जो शॉप्स मिल रहे हैं ना वहाँ से ज्वेलरी ले लो, बिकॉज अंदर के शॉप की ज्वेलरी बहुत महंगी होती है. तो बहुत महंगी तो नहीं, ये सेम ज्वेलरी मैंने अंदर शॉप में देखी थी, वो 100 के बेच रहे थे सरोजनी के मार्केट के अंदर. जैसे आप सरोजनी के मेट्रो से निकलोगे ना, आपको बाहर में बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स मिल जाएगी, वहां से इयररिंग्स लो, बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा भी होता है. तो ये वाटरमेलन इयररिंग्स मुझे 50 के पड़े एंड आई रियली लाइक इट. लाइक बहुत 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 क्यूट लगता है. ओके गाइस, आई एम सॉरी बहुत ज्यादा इयररिंग्स हो गए, बट आई प्रॉमिस ये लास्ट के दो इयररिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इयररिंग्स नहीं दिखाऊंगी. नाउ द लास्ट टू इयररिंग्स दैट आई हैव आर दीज. ये काफी मॉडर्निश इयररिंग्स है, मॉडर्निश इयररिंग्स काइंड ऑफ है. ये ड्रेसेस के साथ और यू नो जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा एंड काफी फैंसी सा भी है. सो आई रियली लाइक दीज इयररिंग्स एज वेल. ये भी 50 rupees का था, सेम शॉप से लिया जहां से मैंने वो वाटरमेलन वाला लिया था ये. एंड द लास्ट इयररिंग दैट आई हैव आर दीज ब्लू कलर्ड इयररिंग्स. ये भी बहुत अच्छा है, बहुत फैंसी में है. लाइक अगर आप इसको वेयर करोगे ना किसी भी आउटफिट के साथ, लाइक ब्लैक व्हाइट ब्लू, आप इसको कॉन्ट्रास्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो. बहुत प्रिटी लगा मुझे. ओके गाइज, इयररिंग्स का सिलसिला होता है खत्म. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट आर दीज चार्जर कवर्स. लाइक ओ माय गॉड, दीज आर सो क्यूट. लाइक लुक एट दिस एवोकाडो वन. ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरा ऑफकोर्स ये मेरा फेवरेट है. इसकी एक तार भी है जो मुझे ना यहाँ लगाना है, बट मुझे बहुत आलस आ रहा है. तो मैं जब फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं इस तार को लगाऊंगी. बट एनीवेज ये कितना क्यूट लग रहा है, मैंने बस इसको जल्दी जल्दी लगा दी. ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है गाइज. लाइक देखो नाउ अगेन, अगर आपको ऐसे आईफोन के यू नो कवर्स लेने हैं ना, तो आपको सरोजनी से ही लेना चाहिए. मैंने यहाँ शॉप से पूछा था और वो 300-250 मैक्स, उससे कम तो कर ही नहीं रहते. गेस द प्राइस, मैंने कितने में लिए होंगे ये? जस्ट 130 rupees. कैन यू बिलीव इट? लाइक वो 150 बोल रहे थे, अगेन मैंने प्लीज प्लीज बोला और वो मान गए 130 में. एंड आई गॉट दीज, दीज आर सो क्यूट. ना वो अवोकाडो वाला आई नो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको ये वाला भी बहुत अच्छा लगने वाला है. दिस इज दी पिकाचू वाला यू नो आईफोन का कवर, लाइक चार्जर का कवर. एंड लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट. लाइक ओ माई गॉड, आई एब्सोल्युटली लव दिस. इसका ऐसे येल्लो कलर का ऐसे तार है, ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगा था. लाइक लुक हाउ क्यूट. लाइक अगर आप ये सारी यू नो क्यूट क्यूट चीजें अपने चार्जर में लगाओगे तो क्यूट लगेगा. ये भी सेम 130 rupees का था. सो अगर आप दो तीन ले रहे हो ना, आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा. बट या अगर आप सरोजनी जा रहे हो, डोंट फॉरगेट टू बाई दीज क्यूट आइटम्स. ओके, सो मैंने जिस शॉप से ये वाला बैंगल्स लिया था ना, मैंने सेम शॉप से एक ये गोल्डन कलर का भी बैंगल लिया था. मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन दिस इज द बैंगल. एंड इसको भी ना बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको ऐसे कैसे वेयर करते हो. अच्छा, ये ना स्ट्रेचेबल है. तो वेट, लेट मी शो यू. कैन यू सी दिस? दिस ऑल्सो लुक सो नाइस. सो दिस बैंगल वॉज फॉर 75 rupees. सेम शॉप से मैंने लिया था ये बैंगल एंड ये भी मुझे काफी अच्छा लगा. तो मैंने एक सिल्वर ले लिया, गोल्डन ले लिया एंड ये भी मुझे काफी क्यूट सा लगा. इस आउटफिट के साथ ना मैं ये दोनों पेयर कर सकती हूँ, दोनों अच्छे लगेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट माई लास्ट परचेज. एंड माई लास्ट परचेज इज समथिंग दैट आई एम ऑलरेडी वेयरिंग. दिस इज द सैटिन टॉप काइंड टॉप कम ड्रेस दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी एंड और मैंने 150 में ले लिया. और ये बहुत प्रिटी है. इसको मैं ना, मैंने अभी तो इसको ऐसा टॉप पहना है, इसको आप ड्रेस के साथ भी पहन सकते हो. ये एब्सोल्युटली प्रिटी लगेगा. बेल्ट जो मैं बात कर रही थी, इस बेल्ट का पर्पज ये था कि इसको मुझे इस ड्रेस के साथ पहनना था. एंड जब मैंने इसको इस ड्रेस के साथ पहना ना, ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था. तो मैं लिटरली सरोजनी आधा घंटा के लिए और रुक गई, क्योंकि मुझे एक बेल्ट चाहिए था जो इस ड्रेस के साथ मैच कर रही थी. नाउ ये इस बेल्ट का प्राइस इस ड्रेस के प्राइस से ज्यादा है. तो
एनीवे जो भी है अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए बस. तो यार दैट वाज इट. ओके वेट वेट वेट, एक और लास्ट क्यूट परचेज. आई गॉट दीस क्यूट क्यूट ब्रेसलेट्स फ्रॉम सरोजनी. कैन यू सी दिस, दीज आर सो क्यूट. ये ब्रेसलेट्स भी मैंने ले लिए, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था. एक पर्पल में, एक पिंक में, ग्रीन में. आई थिंक ये दोनों मैं गिफ्ट करने वाली हूँ, ग्रीन वाला मैं रखने वाली हूँ अपने पास. बट ये भी बहुत क्यूट है. अब देखो ये पर्पल वाला मैंने ऐसे यूनिकॉर्न सा बना हुआ है, ऐसे झुमकी ऐसे यूनिकॉर्न सा बना है, एक पर्ल का वो लिया हुआ है एंड बहुत क्यूट है. लाइक इसको आप स्टैक अप करके भी पहन सकते हो, बहुत क्यूट लगे. सो क्यूट गाइस, इस बार मैंने सब कुछ क्यूट क्यूट ही लिया है, क्यूट एंड एस्थेटिक ही लिया है. सो या आपका फेवरेट परचेज इस पूरे हॉल में से क्या है ना, कमेंट डाउन कर देना. एंड या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसको जल्दी से 10K कर दो. फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी कि मैं क्या करती हूँ एंड एक्सेप्ट एक्सेप्ट अगर आपको जानना है तभी. एनीवे गाइस, प्लीज जल्दी से 10K कर दो. एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.